शादी हुआ है उसी समय से कर रही हूँ, मरते दम तक करना है हमको। पति की लंबी आयु के लिए पूजा रखते हैं। पहली बार किया? नहीं, मरते दम तक करना है हमको। ये जो है पति का पूजा होता है, पति का लंबी आयु की। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्या धाम। इस वक्त मैं स्टूडियो रूम में मौजूद हूँ। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हो समस्तीपुर जिले के अलग अलग प्रखंडों की तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह से जो महिलाएं हैं अपनी पति के दीर्घायु के लिए व्रत सावित्री व्रत को करती हुई नजर आ रही है। यह व्रत जो है ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और कुछ प्रांतों में यह जो व्रत है ये पूर्णिमा तिथि को भी मनाया जाता है। किस तरह से महिलाएं हैं जो अपने पति के दीर्घायु के लिए जो व्रत सावित्री का जो व्रत है वो करती हुई नजर आई, वही aajtak.com के अनुसार कुछ कुमारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को करती है। हमारे देखिए कुछ खास रिपोर्ट, बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्या। आज व्रत सावित्री का व्रत रखे हैं, क्या विधि विधान है, किस तरह से किए? विधान यही है कि कल नहा खाए था और उसके बाद आज व्रत सावित्री का पूजन है, पति के लिए लंबी आयु के लिए हम लोग व्रत रखते हैं। इसलिए आज जो जिसको होगा खाएगी, जिसको नहीं होगा वो अपना व्रत रखेगी, व्रत फलार करेगी शाम में। आज व्रत सावित्री को लेकर जो आपने व्रत रखा है तो क्या कहेंगे इसके संदर्भ? व्रत सावित्री के लिए जो है पति का पूजा होता है, पति का लंबी आयु की पूजा किया जाता है। अच्छा, और साल में मतलब हर एक साल में जो है ना एक बार आता है जी। तो पहली बार आप व्रत किए हैं? नहीं, नहीं, ये तो हम 5 साल से कर रहे हैं, 5-6 साल से कर रहे हैं जी। कितने दिनों का ये व्रत होता है, कब से प्रारंभ होता है, नहा खाई से लेकर और समापन इसका कब, किस तरह? मतलब एक दिन पहले नहा होता है, उसे कल होकर व्रत रखा जाता है और पूजा करने के बाद जो है ना लिया जाता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका मैडम? बहुत बहुत क्या कहेंगे व्रत को लेकर? साल में एक बार आते हैं पूजा से पहले, कि नहा खा होता है जी, और पति की लंबी आयु के लिए पूजा रखते हैं। पहली बार की है? नहीं, तीसरी बार है। क्या नाम हुआ? दीपक। बताते चलो कि इस पर्व को लेकर नवविवाहित में काफी उत्साह देखा गया। बृहस्पतिवार को श्रद्धा व भक्ति के साथ इस व्रत को मनाया गया। सुबह से ही घरों में पूजा अर्चना की गई, इसके साथ ही बाग बगीचे में जाकर महिलाएं इस पूजा को संपन्न की। इस पर्व को लेकर देहात क्षेत्र में भी वट वृक्षों के नीचे महिलाओं की काफी भीड़ देखी गई। सनातन धर्म व संस्कृति पर आधारित यह पर्व पूजा पर आधारित है। यहां वृक्षों को उनके गुणों के आधार पर भगवान मानकर पूजा जाता है। वहीं इस व्रत को लेकर धर्मचार्य बताते हैं कि वट वृक्ष की पूजा करने से घरों में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह पर्व अखंड सौभाग्य व पति व बच्चों की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। वहीं इस व्रत को लेकर किसी किसी प्रांत में कुमारी कन्याएं भी अपने मनचाह वर पाने के लिए इस व्रत को करती है। पर्व वट की पूजा के लिए सुबह से ही घरों में तैयारियां शुरू की गई थी। पूजा करने के बाद महिलाएं पूजा की सामग्री लेकर नजदीकी स्थल पर लगे वट वृक्षों के पास पहुंची। यहां पर वट वृक्षों में तने में कच्चा सूत बांधते हुए वट की पूजा की। महिलाएं गौरी देवी ने बताया कि इन पूजा के माध्यम से ही हम अगले पीढ़ी को अपनी संस्कृति का रक्षण करने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समस्तीपुर।